दोस्तों, कोरोना वायरस के कहर से केरल पहले ही बेहाल है और इन सब के बीच अब जीका वायरस के दस्तक देने की जानकारी सामने आ रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए केरल के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कुल 19 सैंपल को एनआईवी को भेजा गया है, जिसमें से 13 में जीका वायरस की संभावनाएं जताई गई है। एक न्यूज पोर्टल के अनुसार केरल में पहली बार जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। मिली खबर के अनुसार तिरुवंतपुरम में 10 से अधिक लोगों में वायरस संक्रमण का पता चला है। पुणे वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक परीक्षण में वायरल संक्रमण की पुष्टि हुई थी। आखिर क्या है जीका वायरस, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि जीका वायरस मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी है। जीका वायरस के लक्षण चिकनगुनिया की तरह ही होते हैं। एडीज मच्छर जो कि दिन के समय काटते हैं, रोग को फैलाते हैं। आमतौर पर जीका वायरस से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होती। यदि रोगी आराम करे तो रोगी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। हालांकि यदि वायरस गर्भवती महिलाओं को संक्रमित करता है तो इसका परिणाम जन्म दोष हो सकता है। यह रोग रक्ताधान या यौन क्रिया के माध्यम से भी फैलता है। आइए जानते हैं आखिर क्या है जीका वायरस के लक्षण। आमतौर पर इसमें बुखार, दाने, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता और सिर दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं आमतौर पर इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति 2 से 7 दिनों तक प्रभावित रहता है। जीका वायरस से संक्रमित अधिकांश लोगों में लक्षण विकसित नहीं होते हैं। वहीं WHO के अनुसार जीका वायरस एक मच्छर जनित फ्लेवी वायरस है, जिसे पहली बार 1947 में युगांडा में बंदरों में पाया गया था। इसे बाद में 1952 में युगांडा और संयुक्त राज्य तंजानिया में मनुष्यों में पाया गया। जीका वायरस रोग का प्रकोप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और प्रशांत में दर्ज किया गया है। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।